हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? हमने पूरी विश्वास है कि आप जहाँ पे भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि बेटा, अब थोड़ी मतलब जो मतलब ये बीमारी है वो अब धीरे धीरे इसका फास्ट रेट होता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए आप तमाम तरक्की के अफवाहों से बचिए। जो दिखाया जा रहा है हो सकता है वो सही भी ना हो, सकता है कि चीजें उससे भी बुरी हो। तो आप उन सब चीजों से बचिए और अपने को सेफ रखिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, एंड एज यू नो माय नेम इज दिलीप सिंह। ठीक है, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का डील करेंगे। इक्वेशन, ओहो, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोटन, मोटन नहीं, मोशन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन का डील करेंगे। मतलब मोशन के जो तीन इक्वेशन थे, तीन इक्वेशन कौन कौन सा पहले लिख दूं, हमारे बच्चे खुश हो जाएं। वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक मैं बात बता दूं, किताब में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। ये भले से ऐसे लिखा है, लेकिन भले से इस पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, लेकिन आप ये समझ के रखिएगा कि ये वेक्टर साइन है। अगर जो मैं डिस्प्लेसमेंट है और उसमें वेक्टर साइन ना लगाऊं, तो आपके साइन लगाने से चीजें बदल नहीं जाती, वो तो जो है वही रहेगा। तो दिस थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। इसमें साइन लगाओगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक। एक्चुअली जब साइन लगा देते हो तो वेक्टर हो जाता है, और वेक्टर हो जाता है तो एकदम हॉट लड़की बन जाती है। अब हॉट लड़की को कन्विंस करना, थोड़ा डील करना थोड़ा दिक्कत में होता है। तो इसलिए इस वेक्टर को हटाइए, हटा सकते हैं, और हटा के उसको जनरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पर वो जनरल नहीं है। जनरल इन द सेंस नॉट जनरल कैटेगरी, मतलब आप उसको सिंपल गर्ल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो सिंपल नहीं है। इसलिए इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगाए मतलब हॉट लड़की बनी, लेकिन जहां ये साइन हटाए, यू जस्ट बिहेव इन फ्रंट ऑफ हर एज ए सिंपल गर्ल। एज ए सिंपल गर्ल मतलब उसको सिंपल गर्ल की तरह ट्रीट करो, लेकिन याद रखो वो सिंपल नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। अब इसी का आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में। मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, और आई नीड ए स्पेस, तो मैं थोड़ा इसको हटाना चाहूंगा, टॉपिक तो लिख ही दूं क्योंकि बहुत कम समय मिलता है टॉपिक लिखने के। मोशन यहां लिख लूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब जैसा कि तुम लोग नाइन्थ और नाइन्थ क्लास में इसको पढ़े होगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आज आपको डील करने सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए इस चीज को, देखिएगा। पहली बात, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चाहे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
एक तो ये, दूसरा इनको प्रूफ करने के लिए, इनका डेरिवेशन करने के लिए अपने को तीन मेथड है। कितना? तीन मेथड। देयर आर थ्री मेथड टू डिराइव इट। कितने मेथड? तीन। कौन सा? एनालिटिकल मेथड, मतलब यूजिंग मैथमेटिक्स। इसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है सिंपल अलजेब्रा और एक होता है इंटीग्रेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। इसमें ये वाला और ये वाला आप लोग क्लास नाइन्थ में किए होंगे। क्लास नाइन्थ में आप लोग किए होंगे। हो सकता है कि ये टीचर ने नहीं बताया होगा सिंपल अलजेब्रा वाला, लेकिन 100% ग्राफिकल मेथड बताया गया होगा। और मैं बताऊं, एकदम पेटेंट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा, तो 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यही आ जाता है। ये नाइन्थ की बात कर रहा हूं, इसमें नहीं। इसमें तो भैया कम से कम इससे 500 गुना ज्यादा की बात करेंगे अपन लोग, 500 गुना। ठीक है, अच्छा समझ में आया। इसके कितने मेथड है? तीन, एक दो तीन। अब मैं क्या करूंगा, आज मैं चाहूंगा कि ये मेथड और ये मेथड डील कर लूं, ये और ये मेथड डील कर लूं। और ये मेथड हम लोग तब पढ़ेंगे, ये तब पढ़ेंगे जब हम लोग ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या डिटेल में? आप देख फिर से वही बात, यहां क्या आया? इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि अगर जो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है, ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है, ये बात समझ जाइए। इसलिए आप इस वीडियो को अभी छोड़िए, जाके इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल में पढ़िए, तब जाके यहाँ पे आइए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है ना? अच्छा, और आएगा भी, ऐसा कुछ टोप नहीं है। थर्ड और जो ये कम से कम ये ऐसे डाल लो, ये मान लो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट तुम्हारे पूरे जीवन काल का अगर जो काइनेमेटिक्स है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। क्या? कांस्टेंट है। ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ओनली यूज व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। अच्छा सर, ये तो समझ गए, तो जब कॉन्स्टेंट नहीं होगा तब कैसे डील करेंगे? मैं बताऊंगा, थोड़ा सबर करो तब मैं बताऊंगा, इसलिए इसको छाप लो। छापो तो टीपो, टीपू सुल्तान टीप ले मिटाऊ क्या? ओके, और इसको समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, पूरा अच्छे से समझेंगे भैया।
डिटेल में पहले वही सिंपल में सिंपल कर लेते हैं। देखो प्रूफ पहला आसान है, एज बाय द डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, लेट ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, लेट अ पार्टिकल पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू। अब मैं इनिशियल वेलोसिटी बोला है तो इसका मतलब इसमें क्या छुपा है, टी इक्वल टू जीरो, क्या छुपा है, टी इक्वल टू जीरो, ये याद रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड एंड बिकम वी इन टाइम टी, इन टाइम टी दे बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर से मैं बता दूं, ये याद रख इनिशियल, इसीलिए बहुत जोर देके सब कुछ बताया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इफ टाइम इज नॉट गिवन दैट व्हाट वी अज्यूम इट इज टी इक्वल टू जीरो। इनिशियल पोजीशन मतलब व्हेन टाइम इज नॉट गिवन देन व्हाट वी अज्यूम, वी अज्यूम व्हाट वी अज्यूम एक्स इक्वल टू जीरो। लिखना है लिख लो या लिखवा दिया हूं। अब देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ ये ऐसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो। सर या इसी को क्या लिख सकते थे, इसको लिखते थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा आया वहां फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ प्रूफ हो गया। आसान है, आसान है, ये तो हर चीज में लिखेंगे, ये मिटा दे रहा हूं, ये सब नाइन्थ की क्लास की है तो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं और देखता हूं। बाय सेकेंड प्रूफ, बाय ये सेकेंड प्रूफ है, बाय डिफिनीशन ऑफ बाय डिफिनीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू वी इंटू टी, लेकिन मजेदार में बात बताऊं, मजेदार ये बात बताता हूं कि ये ए वी एवरेज होता है, ये क्या होता है, वी एवरेज होता है, ध्यान से समझेंगे, ये वी क्या होता है, एवरेज, क्या होता है, एवरेज। तो एस इक्वल टू और वी एवरेज यहां लिख ले, वी एवरेज जो होता है वो होता है यू प्लस वी अपॉन टू। इसको प्रूफ करके दिखाया भी हूं, प्रूफ इन ग्राफ ऑलरेडी इन क्वेश्चन। याद करो जब टाइम हाफ हाफ होता था तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती थी, वी वन अपॉन वी टू बाई टू।
वी वन अपॉन वी टू बाई टू याद करो तो वही लिखाऊ तो ये क्या हो जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू टी इसको लिख लेना कहीं कोने में दबा दो इसको दफन कर दो। अब v की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा s इक्वल टू यू और ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी ये क्या हो जाएगा टू यू टी अपॉन टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी टू से टू कैंसल s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस अच्छा एक और चीज इसमें फील नहीं आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जब इंटीग्रेशन का मेथड बताऊंगा तब आपको फील आ जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट तब आपको फील आ जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट तब आपको फील आ जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट मिटा दूं मेरे बच्चे ओके ये मिटा दूं ये तो सब में रहेगा थर्ड बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये मैं कौन सा प्रूव करने वाला हूं थर्ड तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों साइड क्या करो स्क्वायर तो v स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर अब क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब तुम्हें इतना नहीं आता तो भैया ये आपके लिए दिक्कत है ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत अच्छा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है टी और क्या कॉमन दिख रहा है ए तो हो जाएगा ए टी ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए टी प्लस टू यू और देखो मेरा मर्जी मैं चाहे करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी मैं क्या कर रहा हूं मेरी मर्जी है कि मैं एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता हूं मैं नहीं निकाल रहा मैं ये कॉमन निकाल रहा हूं देखो मेरी मर्जी है यू स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो मैं निकाल रहा हूं टू ए तो देखो क्या बचेगा यहां बचेगा हाँ ठीक है ना ये स्टेप गैप कर सकते हो आप गैप कर सकते हो तो v स्क्वायर इक्वल टू टू ए तो यहां क्या बचेगा ए टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस यहां क्या बचेगा यू टी बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर ये पूरा का पूरा क्या है s तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस ये तो नाइन्थ क्लास की बात हुई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये तो आप लोग खुद भी जानते होंगे इसमें ये फील नहीं आया होगा कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है अब मैं आपको फील दिला के करता हूं फीलिंग कि व्हाई द एक्सेलरेशन व्हाई दिस फॉर्मूला दिस एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड व्हेन वन एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट कम टू द टॉपिक लिखो सेकंड मेथड टू प्रूफ इंटीग्रेशन मेथड आज हम लोग प्रूफ ही प्रूफ देख ले तो भी अपना जीवन कल्याण हो जाएगा
और आता भी है प्रूफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाई बाई क्या है इंटीग्रेशन मेथड। सर एक बात बताइए आप हमें, हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है बाबू, बिल्कुल जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ना, देखना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना आज के बाद हमेशा। व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रूफ, जब बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे आईआईटी लेवल के, एडवांस लेवल के, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो प्रूफ के अंदर घुस के बनाते हैं। मतलब अगर जो तुम्हें उस इक्वेशन का प्रूफ नहीं आएगा, उस इक्वेशन का डिटेल नहीं आएगा, उस एक्सप्रेशन का डिटेल में जानकारी नहीं होगी, यू विल बी गोइंग टू, समझ गए, मतलब खत्म खत्म तुम्हारी कहानी। दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज प्रूफ। जैसे कितने लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर वैसे भी फिजिक्स में इतना पढ़ना है, आप क्या एक ही चीज को तीन तीन मेथड से प्रूफ करवाना सिखा रहे हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू सेकेंड मेथड, बिकॉज आपको हर एक मेथड जानेंगे तो अल्लाह से या भगवान जहां कोई भी कौन सा भी आ जाए, आप नहीं जानते होंगे तो वो ट्रिक आ जाना चाहिए। और यही आपको समझ होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए कि कब कौन सा चीज लगेगा। अक्सर मेरे पास, मैं कम से कम 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास यही बच्चों का क्वेरी आता है कि सर आपने जो बताया वो मैं समझा, अच्छा। सर आप जो क्वेश्चन बताते हैं वो मैं समझता, अच्छा। सर आप मुझे जो डाउट होता है उसे आप बताते हैं तो भी समझा, अच्छा। सर लेकिन जब मैं अपने से क्वेश्चन करता हूं ना तो मुझे नहीं आता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, क्योंकि आप चीजों को, किसी भी चीजों को सिर्फ समझते हैं, उसे फील करना सीखिए, फील करना सीखिए। इसीलिए आप कहीं पे भी YouTube के लेक्चर कहीं पे भी देख लीजिएगा, अभी तक 7 लेक्चर हो गया होगा लेकिन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं आए। दिस इज द रीजन, डिटेल में जानो, डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ो। ओके, फालतू की बकवास किए, खैर ये तो आपके लिए फालतू होगा वो मैं जानता हूं, लेकिन ये आपके जिंदगी का सबसे अहम पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आज फील नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी है, गारंटी जो भी है वो गारंटी है, क्योंकि वो तब आता है जब समय निकल जाता है। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई एम द ब्लडी लूजर ऑफ दैट, वन ऑफ देम। व्हाई आई एम, इट मे बी हैपन दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, विथ माई सक्सेस। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट वॉट इज द फेलर बिहाइंड इट, मैं जानता हूं कि उसमें क्या कमी रह गई। एक एपीजी अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बोला ऑलवेज स्टडी अबाउट अनसक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज वेन यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनसक्सेसफुल पर्सन देन यू गेट आइडिया दैट वॉट वी डोंट हैव टू डू इन योर लाइफ। दिस इज द रीजन, हमेशा आप अनसक्सेस की स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसमें यह समझ में आएगा कि ये लाइफ में मुझे नहीं करना है, वो जो अनसक्सेस का जो स्वाद है वो मैंने खूब चखा है, खूब जिंदगी भर चखा है, और इसीलिए मुझे मालूम है कि अनसक्सेस जब इंसान होता है तो क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। पढ़िए, मार्क्स के नाम पे मत जाइएगा, मार्क्स हो सकता है कि आपको आ जाएगा। मेरे भी मार्क्स 12th में 85% है, लेकिन आई नो दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट मार्क्स, बिकॉज मुझे 12th क्लास में जो आना चाहिए था वो नहीं आया, वो नहीं आया। इसमें किसकी गलती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी को, टीचर को, इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज को, स्कूल को, किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन लेकिन मैं, मेरे अंदर है कि मैं क्या नहीं कर पाया, दिस थिंग्स आई जस्ट नॉट डन। तो ट्राई टू थिंक दैट सेकेंड मेथड बाई इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन मेथड। अब मैं बनाऊंगा एक
डिब्बा, क्या बनाऊंगा डिब्बा। चुक 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 रेल चली, ये क्या है ट्रेन का डिब्बा है, ट्रेन का डिब्बा है। डिब्बा को क्या बोलते यार, कंपार्टमेंट बोलते क्या। अब इस डिब्बे, ट्रेन का डिब्बा देखा है तो ट्रेन के डिब्बे में स्पेशल होते, कुछ डिब्बे एसी के होते, कुछ डिब्बे जनरल के होते, कुछ डिब्बे स्लीपर के होते। तो इसी डिब्बे पहले मैं बना दूंगा ट्रेन, और ट्रेन में से मैं स्पेशल स्पेशल डिब्बा निकाल दूंगा। और वही क्या, देखो देखो ए इज इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डीटी, ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डीटी। कुछ मैं और कलाकारी नहीं करूंगा, ए डी टी इज इक्वल टू होता है डीवी, और ए डी टी चाहे इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है, ये क्या है जनरल डिब्बा। जनरल डिब्बा का मतलब कब, जनरल डिब्बा का मतलब क्या, उसमें मैं भी बैठ सकता एपीजे, सॉरी वो आज इस महान आत्मा हमारे बीच में नहीं है, इस बात का हमें बहुत दुख है। उनके जैसा पर्सन इंडिया में तो कम से कम नहीं होगा, इतने शानदार आदमी थे। कभी आपको मौका मिले तो उन्होंने एक बुक लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, और विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, उस बुक को पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने बचपन में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, वो पढ़ाई के लिए कितने तत्पर थे। आपको कभी मौका मिलिए इन महान हस्तियों की किताबों को पढ़िए। A इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने उसको हॉट लड़की नहीं बनाया, अभी मैंने उसको सिंपल बना दिया है, क्योंकि तू सिंपल डील करेगा। जैसे ही हॉट लड़की बनाया वैसे ही तू करेगा, हमसे नहीं, हमसे नहीं इंप्रेस होने वाली। अब वो मैं गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा, इंप्रेस अच्छा लगता है, कन्विंस अच्छा लगता है, लेकिन पटाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या, जैसे ही इसको हॉट बना दूंगा आप सोचेंगे कि बस करो अब मुझसे डील नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको हॉट नहीं बनाया। अब देखिए एक चीज है, ये देखना ध्यान से सुनना, ये मैं लिखा तो अलग बात है, ये मैं लिखा तो अलग बात है, ये मैं लिखा तो अलग बात है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफिनीशन, मैंने ये कैसे लिखा डिफरेंशियल, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। देखें अब मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं कहां डेविएट हो गया, मैं बताता हूं कि जनरल डब्बा में मैं भी बैठ सकता, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बैठ सकते, अरविंद केजरीवाल जी बैठ सकते, और जो होते मतलब उसमें सिंपल आदमी भी बैठ सकता, हाई प्रोफाइल पर्सन भी बैठ सकता। ठीक इसी तरह ये जनरल डिब्बा है, ये जनरल डिब्बा हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो भी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो भी। दिस कंसेप्ट वी कैन यूज एनी सिचुएशन, वेदर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट और नॉट, मेरे बच्चे ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्या है डिफिनीशन से लिखना, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, ये डिफरेंशियल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। देखो डीटी है, डीवी है, डीवी है, एडीटी है। अब मैं मजे की बात में थोड़ा सा यहां इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, x के पावर n dx ये होता है x के पावर n प्लस वन अपॉन टू, सॉरी n प्लस वन,
जैसे x की पावर 2 dx, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3। एक बात ये याद रखना है, दूसरा kx dx, तो ये क्या हो जाएगा kx स्क्वायर बाई 2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या kx dx, कहने का मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट। क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट मैं यहां नोट में पूरे बड़े बड़े अच्छा से लिख लूं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है सर, इसका क्या कहानी करूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। याद रखना ये फॉर्मूला, याद रखना आज के लेक्चर में बस इतना ही आएगा। दूसरा ये याद रखना कि अगर जो कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसी ट्रेन को एक स्पेशल बनाने जा रहा हूं, इसी ट्रेन को मैं यहां से, आ जा ट्रेन, ओके, यहां एक स्पेशल डब्बा बना दिया, स्पेशल डब्बा, थोड़ा स्पेशल डब्बे को अच्छे से बना दूं। ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रेन। अब इसको मैंने एक्सेलेरेशन डब्बा, स्पेशल डब्बा एसी का बना दे रहा हूं, एसी का। अब मैं स्पेशल क्या कर रहा हूं, देखना देखना, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो, एक। दूसरा, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया, यू। और एक थोड़ा सा डब्बा, फिर क्या ले लिया, एक्सलरेशन इज कॉन्स्टेंट। सॉरी लाइट चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 2-4 मिनट में कंटिन्यू करेंगे, आप लोग बने रहिए। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, बट हम लोग अपने डिब्बे पे आते हैं। मैंने इसको स्पेशल डिब्बा बनाया, और स्पेशल क्या किया, इनिशियल टाइम टी लिया, टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू लिया, और एक्सेलरेशन क्या लिया, कांस्टेंट। यही मैं स्पेशल बनाया, यही मैं क्या बनाया, स्पेशल बनाया, यही क्या किया, स्पेशल बनाया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा सर, अब इस कांस्टेंट से क्या होगा, तो कुछ नहीं, देखते देखते। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। यहां पे इनिशियल लिखते हैं, यहां पे फाइनल, यहां पे इनिशियल, यहां पे फाइनल। यहां पे इनिशियल क्या हो गया, यू। फाइनल मतलब, फाइनल मतलब वी, या जनरल टाइम वी ना, इनिशियल टाइम जीरो, ये क्या हो गया, टी। अच्छा अच्छा सर, अब क्या मुझे dx का इंटीग्रेशन नहीं आता है, dx का इंटीग्रेशन क्या आपको x नहीं आता है, आता है ना सर, इसमें क्या है, तो यहां क्या हो जाएगा, v, और यहां क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे, u v इज इक्वल टू, यहां देखो जादू होने जा रहा है, यहां जादू, क्या जादू होने लग रहा है, ये एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, दिस एक्सेलरेशन कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, वाई वाई वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एंड जो चीज कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा ए, और ए मान लो यहां एक स्टेप और कर दे रहा हूं, ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से टी, ये हो जाएगा ए टी जीरो से टी। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, इससे फील हो रहा कि ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन तभी डिराइव कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट।
दैट इज वाई देयर इज ए प्रिकॉशन टू यूज द फॉर्मूला बिफोर यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट. ये फील दिलाया. ये इक्वेशन तभी आएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. अच्छा तो सर ये सब तो ठीक है, ये सब पढ़िए. ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब हम लोग नाइन्थ क्लास में नहीं है, वी आर इन इलेवेंथ क्लास. दैट्स व्हाई वी हैव टू डील मच बिगर थिंग्स देन दैट ऑफ नाइन्थ. और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है, ये जिंदगी की आपकी सच्चाई है कि नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास से इलेवेंथ क्लास लगभग 10 गुना ज्यादा हो जाता है. 10 गुना वहां इतनी किताब, यहाँ एक एक इतनी मोटी मोटी किताब होती है. तो इसलिए जब मुझे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो मैं ये यूज करूंगा. क्या है? ए यूज करूंगा, ये यूज करूंगा. मिटाऊं क्या? मिटाऊं क्या? अच्छा अच्छा एक और बात मैं बताऊं, मजेदार बात बताऊं. क्वेश्चन, व्हाट वी विल डू इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. देखना, बहुत मजेदार बात बताऊंगा. देखना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूं उसको देख लो. क्या देखो? अगर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो पहली बात ये बताओ, एक्सेलरेशन कैसे कैसे चेंज हो सकता है? एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फैक्टर विच आर यूज टू चेंज द एक्सेलरेशन? दैट इज पोजिशन एंड टाइम. That is position and time. ये कैसे बोल दिए सर? ये कैसे बोल दिए? क्या तुम ये जानते हो कि acceleration क्या है? Derived quantity है. Acceleration क्या है? Derived quantity. Acceleration क्या है? Derived quantity. Acceleration क्या है? Derived quantity. क्या है? Derived quantity. क्या है? Derived quantity. इसका मतलब डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी. अच्छा सर, इससे क्या पता? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है LT-2. मतलब लेंथ और टाइम. मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और टाइम पे. और इन्हीं, अब सर तब तो आप ये क्या कह रहे थे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स कर रहा है. अरे साला, वेलोसिटी लेंथ और टाइम को मिला के ही तो बना है. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड करता है. सर आपने बताया था चीटिंग है. तो वेलोसिटी का चेंज किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. वो कितना दूर में गया और कितने टाइम में गया, यही उसकी वेलोसिटी होगी. क्या एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा? कितना दूर गया, कितना जल्दी गया, लेट गया, वही स्पीड डिसाइड या वेलोसिटी डिसाइड नहीं करता है? बिल्कुल करता है सर. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अंदर की बात किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और टाइम पे. जब एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसे कैसे वेरी हो सकता है? या तो लेंथ मतलब पोजीशन, या तो पोजीशन या तो टाइम. मतलब एक्सेलरेशन वेरी किस पे करेगा? आइदर बाय पोजीशन या टाइम. क्या होगा? टाइम. क्या होगा? टाइम. किस पे डिपेंड करेगा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या
एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ या टाइम, एल टी माइनस वन। और इसीलिए एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड किया, लेंथ और टाइम पे। इसका मतलब मैं मिटा रहा हूं, ये मैं फील दिला रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो जिस पे डिपेंड करेगा उसको पकड़ के काम करेंगे, या तो वो टाइम पे डिपेंड करता है, या तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, या तो दोनों पे डिपेंड कर सकता है। मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम, डिस्टेंस और समय पे। डिस्टेंस अपॉन समय ही तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, इफ वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, क्या इसमें एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं बताया था, क्या आपके दिमाग में ये आया है कि नहीं आया है ना, क्या यही तो है, यही है। वेलोसिटी को क्या करो, ये वेलोसिटी है, ये वैल्यू रख दो और इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, यही हो गया एक्सेलरेशन। एक तो ये वेरिएशन मिलेगा, एक तो ये वेरिएशन मिलेगा, निकाल लो। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ये क्या है पोजीशन, ये क्या है पोजीशन, पहला। दूसरा टी स्क्वायर प्लस 3t। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, मतलब 2t प्लस 3 आ गया एक्सेलरेशन। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा। या दूसरा कौन सा था, ये था, कुछ था नहीं, यहाँ एक्स में था, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज करेगा। दिस थिंग्स, मतलब क्या मैंने वहाँ dv अपॉन dt ही तो लिखा है, क्या मैंने वहाँ dv अपॉन dt लिखा है, क्या यहाँ v dv अपॉन dx आया, बिल्कुल आया मेरे भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मैं फील करवा रहा था आपको कि जब और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए मेरे बाबू लो, टेंशन मत लीजिए। अब मैं इस डिब्बे को मिटा रहा हूं, ये सब तो लिख लें, अब इस डिब्बे को मिटा रहा हूं। अब देखो, वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। दूसरा डिब्बा, ये क्या है, दूसरी ट्रेन, सेकेंड ट्रेन, पहली ट्रेन थी राजधानी, अब कौन सी ट्रेन है, अब ट्रेन है आपका, कौन सा ट्रेन बना लूं, अच्छा दुनिया एक राजधानी होती है और एक क्या होता है, अरे यार पता नहीं वो क्या बोलते यार, एक होता राजधानी और एक ट्रेन का क्या होता है, गरीब रथ होता कि क्या होता वो मुझे नहीं मालूम, ये जनरल कौन सा, ये राजधानी मान लो, राजधानी है। तो v इक्वल टू ds अपॉन dt, ये क्या है डिफिनीशन, तो ये क्या हो जाएगा ds इक्वल टू v dt, ये क्या हो गया डिफरेंशियल फॉर्म, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। फिर से मैं वही स्पेशल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ये सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने जा रहा हूं, क्या लेट ये डिब्बा स्पेशल बन जा, बन गया स्पेशल। अब इसमें क्या क्या मैंने स्पेशल किया, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट किया, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लिया, क्या ले लिया, यू ले लिया,
क्या ले लिया, u ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया, u। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया, u ले लिया। अब एक बार एक काम करो तुम लोग, कि तुम लोग खुद से करो, क्या तुम लोग खुद से करो तो ज्यादा तुम्हें लाभ मिलेगा, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो मैं ही कर दूंगा और आपको नहीं आएगा। देखना मैं करने जा रहा हूं, मैंने माना कि तुमने कर लिया, मैं करने जा रहा हूं, देखना। ds इज इक्वल टू, और ds इनिशियल पोजीशन ले लो, इनिशियल पोजीशन, मैं बोला था ना, बोला था ना इनिशियल पोजीशन अगर जो नहीं लेंगे तो क्या ले सकते हैं, s इक्वल टू s इनिशियल क्या ले लेंगे, जीरो। खैर हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब मैं एक बात बताओ, क्या यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या यहां, अच्छा ये बाहर निकलेगा कि नहीं, पहले पहले क्वेश्चन सोचो, पहले क्वेश्चन समझो, ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो साला बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो माय क्वेश्चन इज दैट, इज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो 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 नो, इज दिस क्वेश्चन, इन दिस केस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्यों सर, क्योंकि क्योंकि जब कोई भी बॉडी में अगर जो वो मोशन कर रहा है, वो मोशन कर रहा है और बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, होगा ही होगा, इट्स माय गारंटी। व्हाई, बिकॉज वी इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेशन भी मान लो कांस्टेंट है, तो टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा। और मैं यही बताना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा। दैट्स व्हाई यहां मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, दिस वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज इट इज चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम। और क्यों टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का काम ही है भैया वेलोसिटी को चेंज करना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया तो आया तो बाया, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसका मतलब v इक्वल टू, और v क्या है, एज ए v डिपेंड अपॉन टाइम, v डिपेंड अपॉन टाइम, तो यहां लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू ds इनिशियल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये नॉर्मल, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी, और ये हो गया dt। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, u प्लस ए टी dt, टाइम है ना, इनिशियल टाइम t और फाइनल टाइम t, फाइनल टाइम t, फाइनल टाइम t, जनरल टाइम। अच्छा सर इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन होता है s, 0 माइनस s, और इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, 0 से t, 0 से t, तो आप सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा
एस माइनस जीरो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो, यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कशन करूं क्या, करता हूं। ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जीरो से एस इज इक्वल टू यू डी टी जीरो से टी प्लस ए टी डी टी जीरो से टी, जीरो से टी। यू क्या है, कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा यू बाहर निकल जाएगा। अगर जो मैं और एक स्टेप ले जाऊं तो ये कैसे लिखूं, जीरो से टी, देखो इसको एक स्टेप और मैं ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, यू कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा डी टी जीरो से टी प्लस ए कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है हो जाएगा टी डी टी अपॉन जीरो से टी। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू आपका आ जाएगा, एस इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से यहां पे एक्सेलरेशन क्यों बाहर निकला, क्यों यहां पे एक्सेलरेशन बाहर निकला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन डिराइव हो सकता है। दिस इज द थिंग्स, दिस इज द वे। क्या मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में आपको फील हो जाएगा, देखो फीलिंग आ रही है। ये फॉर्मूला तभी डिराइव होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, फील है। अब देख लूं वीडियो का टाइम कितना है, क्या मैं और भी बात कर सकता हूं। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ काफी हो गया है, 50 से 55 मिनट की वीडियो है। तो जो अगला जो डिब्बा है, जो ये राजधानी थी पीछे सुपर फास्ट था, अब कुछ और एक मैं बताऊंगा। एक नई ट्रेन चली है जिसमें खूबसूरत सूरत लड़कियां होती हैं, मज़ा आता है उस ट्रेन में, मतलब करने के लिए, सफ़र करने के लिए, जस्ट लाइक यू विल फील दैट आई एम इन प्लेन। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।